दो किलोमीटर थोड़ा पीछे हट गया चार्जर वाले ने चार्जर रिप्लेस करून तो दिला पण डैमेज दिले। सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ भोलू व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आप देख रहे हो कि भाई कहाँ पे खड़ा है, मैं खड़ा हूँ भाई एकदम बाहरी जगह पे, ये ऐसे दिख रहा अपना पूरे धुलिया गाइस। सो मैं यहाँ पे रुका इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना था। मैं जा रहा हूँ धुलिया, अपने चार्जर का कुछ इशू बन रहा है गाइस, एंड जो शॉप वाले हैं ना थोड़े से हरेसमेंट कर रहे हैं, मतलब बोल रहे कि चेंज कर देंगे, अभी देंगे तभी देंगे, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मैंने वीडियो बना के भी उनको दिखा दिया गाइस, प्रॉब्लम आ ही रहा है तो भी वो नहीं मान रहे, और आज बोल रहे कि आ गया पार्सल, अभी जाके देखते हैं। मिलते हैं अभी दोस्तों से, ऋषि के पास जा रहे, वहीं पे पवार वगैरह से मिलेंगे। सी यू देयर। कांता पवार साहेब, अरे ऐसा क्या करते तू मित्रा। सो गाइस अभी घूम रहे हो पांच खंडिल, मैं आया था खत लेने के लिए, मतलब पेस्टिसाइड लेने के लिए। अभी चलते उधर मिला नहीं, उधर जाएंगे अभी। चलो ये ले लिया है, हमको लगा कि लिक्विड होगा, 5 लीटर का डब्बा। बाबू डायरी एवडा मोटा देऊन दिला भाऊ, इकडे यायचं बरं का घ्यायला, पण 1 रुपया भी कमी करत नाही भाऊ। घ्या भाऊ, ऋषी भाऊ थोडे एम्बॅरस झाले, जाऊ घरी। चार्जर वाल्याने चार्जर रिप्लेस करून तर दिला पण डेमेज दिलंय, तो टाकणार यूट्यूबला मी त्याचा दुकानाचा व्हिडिओ। सो गाइस देखो बेटी ने आला तो हमारा जुगाड़ देखो अभी गाइस। जाऊ द्या गाइस, हळू झटका नको देऊ मेडम, मागे झटकेल बोला गाइस। ठीक आहे गाइस, थँक यू टू ऋषी भाऊ, एकदम भाऊड आहे 100 किलो, थँक यू भाऊ। लोक डायरेक्ट तोंडाकडे पाहते गाइस। जय नुवान, आता करो बाग आहेत तर गाईस, कोणी बाग आहेत तर गाईस, चल रे भाई। रिएक्शन वीडियो का भाई, रिएक्शन चेक करा, रिएक्शन तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो फिर ये व्लॉग ना कल कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन बाय, बी सेफ, राइड सेफ, बाय गाइस, मिलते हैं कल इसी वीडियो में। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग। फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, मैं घर पर बैठा था तो सोचा कि व्लॉग कंटिन्यू कर दें, और अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे क्योंकि मेरे को ये व्लॉग कंप्लीट करके एंड करके एडिट करके अपलोड करना था क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज हो गई है ज़्यादा। सो अभी जाते हैं खेत पे, देखते हैं क्या कंटेंट मिलता है, गाय चराते गाय भैंसे दिखाते हैं आपको, एंजॉय करो थोड़े से व्यूज़ खेत के तरफ के, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो चलते हैं फिलहाल। तो गाइज इस तरह की कुछ रोड है अपने खेत की, रास्ते कम गड्ढे ज़्यादा है गाइज। Barely could trust ya. I talked to a shorty, she bagging the buggin', and I'ma need all of my dollars on corpus. So hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the pie. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50. So guys, फिलहाल मैं खेत पे आ गया, और थोड़े आपने cinematics भी देख ली होगी. So पापा का mood थोड़ा सा है ना ऐसा वो वाला था. तो फिर मैं दो किलोमीटर थोड़ा पीछे हट गया पापा से. So इधर आके vlog कर रहा मैं. इतना भी वैसा नहीं था पर वैसा ही मूड था,
डायरेक्ट फायरिंग हो जाती है मेरे पे। सो इधर आके मैं व्लॉग बना रहा। सो देखो आप थोड़ा सा एंजॉय करो व्यू और क्या बातें करो आपसे। सब्सक्राइब नहीं करते गाइस आप, उठता जा रहा था इसमें इसमें नड़ी में पाए मेरा पाए घुस जा रहा ए 1x मध्ये शूट होता मला वाटलं 5x मला तो वाला वासून येतो कोणतरी कार्यक्रम करून गेलेला आहे शेतामध्ये येऊन सुंगत सुंगत वास आला डायरेक्ट कार्यक्रम करून गेला इकडं तो वाला कार्यक्रम गरम नाही होत एकदम भारी वाटतं इकडं थोडस गरम होतंय तर मी काय सांगतोय ना मराठी ब्लॉग भारी वाटतं मला जरा असा मराठी भाषेमध्ये तर मग ते आपली लँग्वेज थोडीशी टिपिकल होऊन जाते काय बोलू भाई मोबाईल हातात धरून धरून हात दुखायला लागतं शेट जाऊया व्हिडिओ पसंत झाला लाईक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करून टाका सबस्क्राईबचं बटन दाबून टाका लाईकचं बटन दाबून टाका कमेंटमध्ये कमेंट टाकून द्या तुमची काय वाटतं पोस्ट ऑफिसमध्ये भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत राईट सेफ बी सेफ बाय गाइस.